कैसे हो दोस्तों? आशा करतूँगा आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों देखो, हम श्री माता देवी जो कि यमुनानगर में है, वहाँ पर हम घूमने के लिए गए थे। माता जी के दर्शन करके आए हैं वहाँ से। मैंने साथ में वहाँ पे पूरी वीडियो बनाई है, आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से हम गए थे वहाँ पे। यहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की, चढ़ाई की। देखिए फ्रेंड्स, दृश्य देखिए कितना अच्छा दृश्य है यहाँ पे। देखिए, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक तंबू बनाया हुआ है। कुछ अपना जो संत रहते हैं यहाँ पे। यात्रा से पहले दोस्तों हमें जो एक नदी है, नदी से गुजरना पड़ता है। अभी नदी में पानी कमी है, जहाँ पर थोड़ा बहुत तो पानी है वहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं, उनके ऊपर से चला जा सकता है। हमें दिखाई दे रहे हैं, देखो सामने रखे हैं पत्थर, उसके ऊपर से ही हम जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड्स हम नदी को पार करते हैं, नदी को पार करने के बाद सामने देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है नदी पार करते ही। देखो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे जाना है। अभी एक छोटा सा, बहुत छोटा ही आकार का दिखाई दे रहा है दूर से, लेकिन वैसे आकार में बहुत बड़ा है देखिए। लेकिन चढ़ाई चढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, दिखाता हूँ आप लोगों को। बस पहुँच चुके हैं, देखिए फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके हो कि ये क्या है। फ्रेंड्स, यह एक महल की नींव डाली गई थी, जो राजा विराट के द्वारा डाली गई थी। ये महाभारत काल के समय की बात है, जब पांडवों का ज्ञातवास था। तब राजा विराट ने पांडवों के लिए एक महल बनाने की सोची थी और उन्होंने ये नींव डाली थी, लेकिन कुछ कारणवश यह महल पूरा ना हो सका, ये यहीं पर रोक दी गई। देखो फ्रेंड्स, हम इसका पूरा नक्शा आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से इसकी नींव। देखो, ये खजाने के लिए कुछ छोटे कक्ष, बहुत ही देखो छोटी खिड़की के साथ बनाए जाते थे पहले। इसमें राजा जो होते थे अपना खजाना वगैरह रखते थे। देखिए, इस तरह से बीच में आंगन बनाया गया था। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि पत्थरों से किस तरह से बनाया गया था, और उसके बीच में जो सीमेंट की जगह है, जो मटेरियल यूज होता था ना, कुछ अलग ही किस्म का था। कह सकते हैं कि हमारे सीमेंट से भी अच्छा ही था। किस तरह से बनाया था इसका कुछ प्रमाण नहीं मिल पाता अब, किस चीज़ का बनाया जाता था ये। उस समय की तो बात ही अलग थी दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। देखो फ्रेंड्स, इधर भी है एक छोटा सा कक्ष बनाया गया है, छोटी सी खिड़की के साथ, और ये आंगन है। देखो, ये देखो किस तरह से सीढ़ियाँ नुमा कुछ बनाया गया है, ये छोटा सा। बीच में कुछ हम भी ज़्यादा तो समझ नहीं पाएंगे इसको कि ये क्या है। ये देखो, यही वो नींव थी दोस्तों, जो हम चढ़ाई से पहले आप लोगों को दिखाना चाहते थे। आप लोग देख सकते हैं इसको, देखो कितनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है ये। देखो दोस्तों, ये मेरी फैमिली है, बुआ जी है। देखो दोस्तों, देखो
कितने शानदार तरीके से बनाया गया है इसको। देखो फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल पीछे आकर इसको फुल फुटेज लिया है, आप लोग देख सकते हो कि कितने शानदार तरीके से बनाया गया है दोस्तों। उसके बाद देखो हम यहाँ से चढ़ाई शुरू कर देते हैं दोबारा से। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है श्री माता मंत्रा देवी द्वार, ये दीवार है। इस द्वार से हम निकलने के बाद यहाँ से चढ़ाई हमारी शुरू हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई है कुछ कुछ दूरी पर। करीब 40 मिनट के बाद देखो हम पानी की टंकी के पास पहुँचे। कहा जाता है कि पानी की टंकी जो है बिल्कुल आध में है, आधी ऊंचाई पर हम आ चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम आप लोगों को यहाँ का दृश्य दिखाते हैं। देखिए देखो जूम करके आपको दिखाता हूँ कि वहाँ से हम आए हैं इतने नीचे से, और ये नदी का रास्ता है जो जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हम लगभग ऊपर जा चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम ऊपर आने के बाद देखिए कितना शानदार दृश्य है। यहाँ पर कुछ फलों के वृक्ष भी लगाए हुए हैं, जैसे अमरूद हो गया, बेलपत्र हो गया, और दूसरे पहाड़ी वृक्ष भी हैं यहाँ पर लगाए हुए। देखो फ्रेंड्स, सामने मंदिर है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो मंदिर है वो हरियाणा में पड़ता है, लेकिन इस मंदिर के साथ में जो रसोई है उस वो हिमाचल में लगती है। ये सांझा है मंदिर दोनों स्टेट का। देखिए फ्रेंड्स, इससे हम पट पे हम पढ़ सकते हैं कि ये 5113 वर्ष पुराना मंदिर है, और यहाँ पर किस तरह से माता देवी की उत्पत्ति हुई थी, मंत्रों के द्वारा उत्पन्न हुई माता है। यहाँ पर हम थोड़ा पूजा करने के बाद फिर आगे प्रस्थान करेंगे। देखिए बंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और फ्रेंड्स देखिए हम इतनी ऊंचाई पर हैं। देखिए सामने कुंड दिखाई दे रहा है, इस कुंड में बड़े दूर दूर से श्रद्धालु आकर नहाते हैं, और इस कुंड के बिल्कुल साथ में देखिए म्यूजियम दिखाई दे रहा है। ये हम सेकंड पार्ट में आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ये वीडियो भी देखो लगभग 12 मिनट कुछ की हो गई थी, इसलिए हमें सेकंड पार्ट बनाना पड़ा। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से थोड़ा और ऊपर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि इस मंदिर से थोड़ा सा ऊपर और हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। देखिए इसके साथ में ही एक भगवान शिव का मंदिर भी है, जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की हुई है। यहाँ पर हम पूजा करने के बाद ऊपर की ओर प्रस्थान करेंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ा ऊपर की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर देखो गायें चर रही हैं, साथ में नीचे गौशाला है जहाँ पर गायें रहती हैं, ये चरने के लिए ऊपर भी आ जाती हैं कई बार। ये देखिए रोहित यहाँ पर घर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी छत बार बार गिर रही है। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा आगे चलते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह का रास्ता है आगे। नीचे से जो हम मंदिर तक आए थे, माता देवी का जो मंदिर है वहाँ तक तो बड़ा चौड़ा रास्ता था, लेकिन उससे ऊपर अगर हम जाना चाहें तो वो रास्ता बहुत ही छोटा रास्ता है। ये कह सकते हैं कि बिल्कुल पूरा पूरा सा है, अगर थोड़ा भी पैर इधर उधर हो जाए तो पैर में मोच आने का खतरा भी है, और नीचे भी गिर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल हम किनारे से जा रहे हैं। आगे चलिए और आपको दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स किस तरह हम बिल्कुल किनारे से जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, नीचे खाई भी है। ये देखो कितनी बड़ी खाई है यहाँ पे।
ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल पूरा पूरा है रास्ता, है ज़्यादा चौड़ाई नहीं है रास्ते की। देखिए उसके बाद हम देखो देवी माता देवी के दर्शन के बाद अब हम ऊपर हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं। यहाँ का दृश्य देखिए, देखिए ये सामने नाहन दिखाई दे रहा है। यहाँ से नाहन का तो आप लोगों को पता होगा, टूरिस्ट एरिया है बहुत अच्छा। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी चलते हैं और दिखाता हूँ आप लोगों को। इससे आगे का रास्ता और भी थोड़ा ख़तरनाक है। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स, कितना ख़तरनाक रास्ता है। यहाँ से हमें बिल्कुल जैसे बंदर चढ़ते हैं इस तरह से चढ़ना पड़ेगा। लेकिन देखो, हम इतने दूर आ चुके हैं, इतनी ऊंचाई पर आ चुके हैं, तो थोड़ा और ऊंचाई पर हम जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। इनका छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हम पूजा कर लेते हैं। यहाँ रोहित घर बनाने पर लगा हुआ है। यहाँ पर पूजा करने के बाद दोस्तों हम नीचे के ऊपर प्रस्थान करेंगे, और इसके आगे हम जहाँ जहाँ भी गए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इसका पार्ट टू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो देखकर। थैंक यू फ्रेंड्स।